दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पेपर टू में, और इसको और आगे बढ़ाते हैं। बी वन का पार्ट टू खत्म करते हैं आज, और पार्ट टू में जो टॉपिक्स आएंगे आपके पास वो है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अगर हम समाज देखें, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए समाज की बात करें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा जो लैंड का टेन्योर सिस्टम क्या था, ये आपको इकोनॉमी GS3 में भी हेल्प करता है, और लैंड रिफॉर्म्स अगेन। तो इसीलिए सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको जीएस के आंसर्स बनाने में, ना सिर्फ GS3 में, GS1 में, GS2 और 4 में भी बहुत ही अच्छे आंसर्स बन जाते हैं, बिकॉज यू टेंड टू लर्न अलॉट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, इग्नू से बहुत सारा सामान बोरो किया हमने, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी इंक्रीजिंगली अभी मेंस भी हुआ था, बहुत सारे सवाल कवर भी हो गए थे। तो ये ही जो हमने क्रैश कोर्स में हमने बनाए थे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, तो उसी का ही यहाँ पर आपको मैं ये आगे अटैच करके दे रहा हूँ वीडियो, आप सब पढ़िए। और जो प्रीवियसली प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स को रिगार्डिंग जो वहाँ पे कोई सवाल पूछ रहे थे कि क्या वो कवर हुआ है, जी हाँ, वो हमारा A1 का जो पार्ट टू था, जो A2 का पार्ट टू, उसमें प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स पर वेरियस हमने थिंकर्स की बात भी की थी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं उसको। PDF आपको पता है शेयर हो रहे हैं टेलीग्राम पर, अब हमने वेबसाइट पर भी इसको अपडेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इंजॉय कीजिए, और पैरेलली अगेन आई रिपीट, ये हमारी ऑप्शनल्स वगैरह बिल्कुल तैयार करते रहो। तो लेकिन प्रीलिम्स पर भी ध्यान रखो, इसीलिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमने पैरेलली चला रहे हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, और उसमें जो साथ साथ में पैरेलली जो वीडियो सॉल्यूशन से और एक्स्ट्रा समझने की ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे सफलता की तरफ, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ही हैं जो रेगुलरली उठा सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा देर तक बहुत तेज नहीं भाग सकता कोई भी इंसान, इसीलिए हम मैराथन चलेंगे, मैराथन भागेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें B1 का पार्ट टू, देन उसके बाद यू विल सी कि कैसे रैपिडली पेपर टू खत्म होता चला जाएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करें, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में, सोशियोलॉजी पेपर टू कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड जो इसमें अभी हम बी कंपोनेंट के जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं आज, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखो लैंड, इसमें ना जैसे लिखा हुआ है कि इस सोशल स्ट्रक्चर में अपने जैसे लैंड टेन्योर सिस्टम के बारे में जानना है, लैंड रिफॉर्म्स, तो ये जानेंगे, थोड़ा सा और इनके कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जान लेंगे, ताकि आपको ना ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं इनमें एकदम महारत हासिल हो जाए। एंड एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ना आप इसमें जो सामान जो पढ़ोगे आपको वो GS1 में हेल्प करेगा, GS3 में हेल्प करेगा। GS3 में आपको एग्रीकल्चर में लैंड जो रिफॉर्म्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो वहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली जैसे एक सवाल आया था कि सेकेंड क्या हमें सेकेंड या थर्ड लेवल लैंड रिफॉर्म चाहिए, तो आपको फर्स्ट बताऊँ पहले फर्स्ट क्या थे, अकॉर्डिंगली आप सेकेंड थर्ड की बात करेंगे। तो इसीलिए ये वाली चीज़ें अगर हमें पता हो यहाँ पर तो अच्छा फ़ायदा ही मिलेगा। ओके, तो जैसे ना सोशल स्ट्रक्चर में पहले लैंड टेन्योर सिस्टम की बात कर रहे हैं वो बताइए, तो लैंड टेन्योर सिस्टम में पहले चाहता हूँ आपको ना दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि होता क्या है लैंड टेन्योर सिस्टम। टेन्योर कि कोई कितने देर तक रहेगा, टेन्योर होता है ना टेन्योर, जैसे कि गवर्नर इतने प्रेजर ऑफ प्रेजिडेंट पर रहेगा, कोई ऐसे टाइम टेन्योर लिखा नहीं हुआ मान लो गवर्नर का। अच्छा, चीफ मिनिस्टरशिप का 5 साल है लेट्स से, मोस्टली कश्मीर छोड़ दें तो, एंड देन प्राइम मिनिस्टर का 5 साल है, टेन्योर फिक्स्ड है कि कौन कितने टाइम तक रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर टेन्योर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जो एक ओनर है तो उसने ओनर ने आगे किस कंडीशंस पर जमीन अपनी किराए पे दी हुई है, या किराए पे दी है, या फिर सबलेट की हुई है, क्या किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, टेन्योर सिस्टम इज अ ब्रॉडर आइडिया कि ओनरशिप ऑफ लैंड किसके पास है, एंड जो ओनरशिप ऑफ लैंड इसके पास है तो कल्टीवेटर कौन है, उनका आपस का रिलेशनशिप क्या है, कि किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस की बात क्या हो रही है, कि किस पर किस उस पर लैंड लीज की गई है टिलर को, टिलर मतलब जो जमीन को टिल कर रहा है या फिर जो उसमें खेती कर रहा है। एंड देन उसके बाद जैसे शुरुआत में जैसे स्टेट की ओनरशिप लिमिटेड हुआ करती थी, कॉमन ओनरशिप थी, अभी भी हम देखते हैं हिंदुस्तान में कॉमन ओनरशिप की बहुत सारी लैंड होती हैं, जिनको हम जैसे हम क्या बोलते हैं, शामलात की जमीन बोलते हैं, शामलात, अगर आप इफ यू स्टेड इन अ विलेज तो उसको शामलात बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमन ओनरशिप्स होती हैं। देन मुस्लिम पीरियड में जब इस्लाम का हम जब मुगल रूल है या उसके पहले भी, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी सिस्टमैटिक कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया जहाँ जहाँ पर रूल था। देन ब्रिटिश रूल में आकर ब्रिटिश रूल आता है तो असेसमेंट, कलेक्शन, ये वो सब कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलती जा रही है। तो ओवरऑल देखें लैंड टेन्योर सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं कि ओनर कौन है, ओनर और कल्टीवेटर का रिलेशन क्या है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या स्पेसिफाई की गई हैं जो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, या फिर कैसे किस तरह से अगर आपने रेंट पे करना है, कैश में करना है, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं तो कैश में मांगते हैं रेंट, बाकी जैसे पुराने काइंड में भी ले लेते हैं रेंट, है ना, एट्सेट्रा। तो
ये सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस का हिस्सा। देन उसके बाद तीन तरह के सिस्टम ब्रिटिश ने यूज़ किए, रियोतवारी, महलवारी, जमींदारी। तो रियोतवारी में पर्टिकुलरली पूरा विलेज ही इकट्ठा ओनर हुआ करता था, एंड जैसे जो सॉरी महलवारी में ओनर इकट्ठा हुआ करता था। तो और जैसे रियोतवारी में पर्टिकुलरली जैसे रियोत्स किन को बोलते हैं, रियोत्स आर जो फार्मर्स को ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर जमींदारी आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जमींदारी में जमींदारों को ज़मीन का हमने क्या किया, एक हमने एक अथॉरिटी बना दिया, आप सारा जो रेंट वगैरह इकट्ठा करोगे, किसने शुरू किया ये वो आप जान सकते हैं ना। तो एंड देन रेंट इकट्ठा करोगे, स्टेट 10/11 रख लेगी, 1/11 जमींदार का है। जमींदारों ने आगे भी करना जो आउटसोर्स करना शुरू कर दिया कि घर बैठे बैठे पैसा कमा लेंगे, सब लेटिंग शुरू कर दी कि जो 1/11 जमींदार बचता था उसमें से लेट से 1/3 दे देंगे जो आगे सब लेट करके जो ओनर बना दिया, एंड बाकी 2/3 खुद रख लिया। तो इसी तरह से सब लेटिंग की एक लंबी चेन भी बन गई। तो रियोतवारी में ऐसा नहीं किया गया जमींदारी वाला सिस्टम, वहां पर इंडिपेंडेंट फार्मर को ही स्टेट के साथ टच में रखा गया, ठीक है, वैसा सिस्टम। महलवारी में पूरे विलेज की ज्वाइंट ओनरशिप थी, जो स्टेट थी या ब्रिटिशर्स थे एक किसी एक महल मतलब विलेज के किसी एक बंदे से मिलते थे एंड उसको बोलते थे कि आप बताइए कि हमारा ये रेंट कितना बन रहा है, रेंट हमें दे दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्या था एजेंडा कि विलेज की कॉमन ओनरशिप को नहीं डिस्टर्ब किया गया, पर्टिकुलरली ये जगहों में पंजाब वगैरह में बहुत वाइड स्प्रेड था महलवारी सिस्टम। तो इसीलिए पंजाब में अभी भी बहुत से गांव हैं जो पर्टिकुलरली जिन जो भी गांव के नाम हैं लोगों की सरनेम बन गए वो। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जैसे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर भी थे पहले प्रकाश सिंह बादल, तो बादल इज़ अ नेम ऑफ अ विलेज, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा जैसे विनोद खन्ना, खन्ना इज़ अ नेम ऑफ अ विलेज नियर लुधियाना। तो नॉट एग्जैक्टली इट्स नाउ नॉट एग्जैक्टली अ विलेज, इट्स अ वेरी डेवलप्ड प्लेस नाउ। तो लेकिन हो क्या रहा है कि महल सिस्टम से ही वो आया कि जो कलेक्टिविटी थी कि ये सारे के सारे लोग जैसे मान लो बादल विलेज के गाँव सारे, अच्छा हम सब इकट्ठे एक ही इंसान को रेंट पे करते हैं, वो आगे ब्रिटिशर्स को पे कर देते हैं। तो इसी तरह से आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग कर दी, पहले भी थी विलेज की आइडेंटिटी लेकिन और स्ट्रांग कर दी ब्रिटिशर्स ने आके, क्योंकि जो जितने भी कल्टिवेटर थे सभी उन्हीं के साथ नाम सेट हो गए, ओके, विलेज के साथ ही। देन पेजेंट सोसाइटी क्या होती है, थोड़ा और भी देख लेते हैं कि पेजेंट, पेजेंट का मतलब जैसे ना आपको एक और चीज़ है यहाँ पर कि पेजेंट और फार्मर में आपको फर्क पता होना चाहिए कि फार्मर क्या होता है, थोड़ा अमीर वाला जो 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 अगर क्रॉप्स वगैरह उगा रहा है तो किसी पर्पस क्या है उसका, पर्पस प्रॉफिट एक पर्पस है कि पैसा कमाने के लिए। पेजेंट कहीं ना कहीं अपने गुजारे के लिए कमा रहा है, एंड इतने बड़ी ज़मीन पर कभी वो जैसे फार्मिंग नहीं करते, छोटी ज़मीन होती है जो एंड पर्टिकुलरली जो पुराने टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। अभी भी पेजेंट थोड़ा गरीब टाइप इंसान, फार्मर थोड़ा अमीर टाइप किसान, दोनों जुड़े एग्रीकल्चर से हुए हैं लेकिन देख रहे हो समझ रहे हो कि अमीरी गरीबी का फ़र्क है, ठीक है। तो हर एक इंडिया में इंसान फार्मर नहीं होता, इंडिया में पेजेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो डेनियल थॉर्नर जैसे मार्क्सिस्ट ही हैं, ये बोलते हैं पेजेंट ही इंडिया का असली किसान है। एंड देन रॉबर्ट रेडफील्ड भी किताब लिखते हैं पेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, तो वो बोलते हैं कि पेजेंट जो कल्चर है हमारे देश का वो क्या है कि लैंड को लेके बहुत ज़्यादा जो रेवरेंट एटीट्यूड, मतलब कि बहुत पूजा की जाती है लैंड की, और एग्रीकल्चर को बहुत ही नोबल और आइडियल बेस्ट जॉब माना जाता है कि यही करना है सदियों तक, ये चलेगा आगे, हम पहले भी करते हैं अभी करेंगे, एंड इन बहुत ही मेहनती इंडस्ट्रियस लोग हैं और लेबर में भी काफ़ी डिग्निटी मानी गई कि लेबर करना इज़ अ गुड थिंग, जो मेहनत नहीं करता उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो अब फैमिली बहुत ही प्राइमरी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जनरली सारा परिवार ही खेती बाड़ी में लगा हुआ है, एंड देन लैंड मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, एंड उसके बाद डिस्टिंक्ट कल्चर और डेली शेड्यूल भी है कि जो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है उनका एज सच कोई शेड्यूल नहीं होता। आपने थोड़ा इमेजिन करो कि जिनका बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, ज़मींदार लोग हैं, उनका दिनचर्या एज सच नहीं होती कोई, लेकिन जो एक किसान की दिनचर्या होती है कब जाके सुबह खेत में जाना है, खेत में जाके कहाँ पे जाके काम शुरू करना है, अकॉर्डिंगली कब खाना खाना है, बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्ड एक ज़िंदगी जीते हैं। तो ये फीचर बताया हमें किसने, जो हमारे जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने डेनियल थॉर्नर मिक्स कर दिया हमने, ठीक है, ये फीचर्स हैं ब्रॉडली, ओके। देन जो पेजेंट जो कल्चर है वो ओबीडियंस एंड सबॉर्डिनेशन का भी है। सबॉर्डिनेशन मतलब जो बड़े किसान हैं, जो अमीर किसान हैं, जमींदार हैं, उनको उनके सामने सबॉर्डिनेशन भी है, ठीक है, उनसे उनके सामने झुकते भी हैं। एंड देन पेजेंट जो है वो वैसे अदरवाइज देखें वो पोजीशन में तो है, डी फैक्टो पोजीशन ऑफ लैंड तो है, लेकिन ओनर नहीं होता पेजेंट बहुत बार, ठीक है, मेजरली ओनर नहीं होता। अगर ओनर होता तो ग्रेजुअली शायद अमीर भी हो जाते, एंड इसीलिए जैसे ऐसा क्यों क्या बोलते हैं वो कि जो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो जमींदार लोग हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेकन है, काफ़ी एक्टिव हैं, एंड वो पेजेंट्री को उनके हक भी डिनाई करते हैं, ठीक है। सोरोकिन क्या बोलते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी है पेजेंट सोसाइटी की बहुत ही पुअर है, एंड देन इसीलिए वो डी फैक्टो ही सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे कि ओनर हैं लेकिन लॉ में ओनर नहीं है वो, ठीक है। डी ज्योर मतलब जो लॉ से जुड़ा हुआ, देसाई लिखते हैं
कि जो इंडियन जो हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो पेजेंट मूवमेंट ही शुरू हुई थी, एंड जजमानी उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था. जजमानी को वो क्या मानते हैं, जो देसाई ही डज नॉट रियली सी जजमानी एज अ वेरी फंक्शनल सिस्टम, वो काफ़ी एक्सप्लोरेटिव मानते हैं. ठीक है, ओके. तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे देखें, अगर प्रेजेंट्री जो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए काम करते हैं, लैंड सेक्रेड है एंड माइग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है, कि वो चाहते नहीं माइग्रेट करना, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है एंड ट्रेडिशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, और आगे जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं. एंड देन रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ है रिलीजियस टेक्स्ट पे. ठीक है, तो ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है जब भी बिफोर यू रियली आंसर क्वेश्चन ऑन प्रेजेंट सोसाइटी. ओके देन, तो प्रेजेंट सोसाइटी इज़ देयर फॉर, ये क्या है, एक एग्री बेस्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी है जो कि लैंड को बहुत ज़्यादा पूजती है, रेवरेंट है टुवर्ड्स लैंड. ठीक है, तो ये प्रेजेंट सोसाइटी पर सवाल आए तो आप लिख सकते हो, नाउ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्रेजेंट सोसाइटी एंड हाउ प्रेजेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फार्मर्स. ओके देन, अब लैंड रिफॉर्म के बारे में थोड़ा बात करें आगे, तो लैंड की ही बात चलेगी थोड़ी देर अभी. तो लैंड के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली GS3 में आपको ये सवाल अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पूछा जाता है बार बार, तो आपको आना चाहिए. तो देखो, लैंड रिफॉर्म्स पहले है क्या कि नहीं, लैंड रिफॉर्म ओवरऑल की जो सिस्टम चल रहा है लैंड, जैसे लेट्स से ओनरशिप का या सब कुछ का, इसको रिफॉर्म करने के लिए, लैंड को रिफॉर्म करना ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड को ही अच्छा कर रहे हैं, जो जो भूमि उपजाऊ नहीं है जैसे, तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए वो भी चलो है प्रोसेस का पार्ट कहीं ना कहीं, लेकिन ओनरशिप वगैरह बेटर करने के लिए लैंड रिफॉर्म किए गए. लैंड ओनरशिप रिफॉर्म होता तो बेटर वर्ड होता, लेकिन अभी लैंड रिफॉर्म ही कहा जाता है. तो रूरल डेवलपमेंट इसका बेसिक एजेंडा है, एंड जो पुराने जो फ्यूडल सोसाइटी के जो फ्यूडल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो भारत का, जो रूरल भारत का, उसको तोड़ने की ट्राई है. ठीक है, एंड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. तो इसीलिए अगर आपको ब्रॉडली अगर ऑब्जेक्टिव याद करने हो, तो ये हैं हमारे पास कुछ 4 E. ये 4 E हमारे ऑब्जेक्टिव हैं. एक इक्वालिटी लेकर आना कि लैंड ओनरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए, एफिशिएंसी लेकर आना, ठीक है, कि जो हम जितना हम जो अगर मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिले. ठीक है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, इरिगेशन मॉडर्नाइज करते हैं उसे. ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ाना, जो भी पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं वो पॉलिसी सच में ग्रास रूट तक पहुँचे, एंड इकॉनमी मतलब कि सेम सामान सस्ते में खरीदना. ठीक है, तो अब ये सभी जो ये सभी तरीकों से, जैसे यहाँ पे अब तरीके नहीं ऑब्जेक्टिव हैं, लैंड ओनरशिप अच्छा करना, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करना, इरिगेशन मॉडर्नाइज करना, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालना, लैंड यूज़ को इम्प्रूव करना, और ये सभी जैसे मान लो कि कहीं किसी लैंड पर उग सकती हैं दालें अच्छे से, पल्सेस के अच्छी ग्रोथ हो सकती है, पैसा कमा सकते हैं वहाँ पर, अगर आप वीट उगा रहे हो तो मत करो ऐसा. ठीक है, तो इसीलिए लैंड यूज़ को बेटर करना. ओके चलो, एंड देन इसके लिए स्टेप्स, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं से आंसर शुरू करते हैं. लैंड रिफॉर्म में क्या क्या किया गया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी एबॉलिश कर दिया, दैट दोज वर द स्टेप्स टेकन, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये आप जैसे 4 E लिख सकते हैं दिमाग में सोच सकते हैं, इनके हिसाब से आप ये जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव दिमाग में आपको आने शुरू हो जाएंगे क्या क्या थे. ठीक है, तो स्टेप्स ये लिए गए कि इंटरमीडियरीज जिम्मेदारी एबॉलिश कर दिया, देन जो टेनेंसी को लेके जो किराएदार हैं जो ज़मीन के, उनको लेके रिफॉर्म किए गए कि उनका टेन्योर फिक्स किया गया, उसके पहले आप इनको नहीं निकाल सकते. रेंट रेगुलराइज किया गया, ऐसा नहीं है कभी मन किया रेंट बढ़ा दिया. एंड ओनरशिप कुछ राइट्स भी मिले आपको, कि ओनर्स को भी कुछ राइट्स मिले कि किस किस कंडीशन में क्या क्या ओनर्स के पास राइट्स हैं, एंड टेनेंट्स को भी राइट्स मिले कि टेनेंट कितना इन्वेस्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली. आज भी हमारे बहुत से लॉज इससे ड्रिवन है. एंड देन लैंड सीलिंग, तीसरा पॉइंट, लैंड सीलिंग मतलब कि इससे ज़्यादा पर हेड लैंड आप नहीं रख सकते. ठीक है, वेरियस जगहों पर वेरियस जगह से डिसाइड किया गया, कोई कॉमन कोई इसका वो नहीं था, लैंड सीलिंग की गई. लैंड सीलिंग का मतलब अगेन आई रिपीट कि एक इंसान को वेरियस जगह जो अपनी जगह के हिसाब से जो सरकार डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके हिसाब से सीलिंग कर दी गई कि इसके ऊपर आप लैंड नहीं रख सकते. मान लो 20 एकड़ है, पर हेड 20 एकड़ से ऊपर वॉज नॉट अलाउड. एंड देन एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने के ट्राई किया गया, कि एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलरली कि जैसे ओवरऑल जितना भी जैसे जैसे एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर और एग्रीकल्चर किस तरह से लोग कर रहे हैं, कि वीट उगा रहे हैं या फिर अगर राइस उगा रहे हैं और क्या उगा सकते हैं, तो ये सभी कुछ रीऑर्गेनाइज करने की ट्राई की गई. एंड कोऑपरेटिव्स बनाए गए, कोऑपरेटिव मतलब ताकि सभी लोग इकट्ठे होकर कलेक्टिविटी में काम करें, चाहे आपके पास छोटी छोटी ज़मीनें भी हैं, लेकिन अगर आप सब लोग इकट्ठे डिसाइड करते हैं लेट्स से कि चलो हम सब वीट उगा रहे हैं, तो हम इकट्ठे मिलकर वीट के सीड ले लेते हैं, इकट्ठे मिलकर फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, इकट्ठे मिलकर लोन ले लेते हैं, क्रेडिट अवेल कर लेते हैं, इकट्ठे मिलके मार्केटिंग कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव्स. ठीक है, सरकार ने भी काफी कोऑपरेटिवाइजेशन जो एनकरेज करी. ओके, GS2 में आपको सवाल पूछ सकते हैं. तो उससे हुआ क्या, बहुत सारे इंटरमीडियरीज एकदम से गायब हो गए और सरकार ने बिल्कुल बिल्कुल हटा दिए, एंड बहुत सारे जो टेनेंट्स थे 2 करोड़ के आसपास सरकार के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए. बहुत सारी जो फैलो लैंड थी
वो जो लैंडलेस को या मार्जिनल्स को, मतलब जो गरीब लोगों को मिली, एंड देन उसके बाद बहुत सारे लोगों को ओनरशिप राइट्स भी मिले, जो जमींदारों के पास थे वो ओनरशिप राइट्स दिए गए किसानों को। ओके हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, GS 1 में पूछ सकते हैं आपको, एंड सोशियोलॉजी Paper 2 में तो पक्का ही पक्का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोअर कास्ट की, बहुत सारी लोअर कास्ट की ऑक्यूपेशन बदली, लोअर कैट्स नहीं है ये, लोअर कास्ट है, ठीक है, ठीक कर लेने से, तो लोअर कास्ट की ऑक्यूपेशन बदली क्योंकि ज़मीन मिली, अब वो तो एग्रीकल्चर में आए, अदरवाइज वो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हुए थे, आ गए, माइग्रेशन रुकी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि लेजिस्लेशन ऐसी थी जिनकी जमीन जाएगी वो तो लड़ाई करेंगे कि हमने जमीन नहीं देनी, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है इस लॉ के कारण। देन उसके बाद जिन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, पुलिस मिली हुई थी बहुत जगह पर, स्टेट के जो जो वहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं वो मिले हुए हैं क्योंकि उनकी खुद की बहुत ज़मीन है, तो उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, तो नक्सलवाड़ी में शुरुआत होती है नक्सलिज्म की, जब LR फेल हो जाते हैं तो नक्सलिज्म राइज करता है बिहार में, यूपी में, एंड देन उसके बाद लेबर मूवमेंट आती है कि आप हमें कह तो रहे हो कि हमारे को इतना रेंट, जो इसके हिसाब से रेंट मिलेगा या हमारी वेज वगैरह मिलेगी वो नहीं मिल रही, जो पैसे कमाने वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं बाकियों को कोई पैसा नहीं दे रहे, लेबर मूवमेंट आती है आंध्रा में, देन लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास ना तो कोई रिकॉर्ड था कि वो कब से खेती कर रहे हैं, ठीक है, ओनर्स कोई और थे जैसे भी, तो अकॉर्डिंगली इनको एविक्ट कर दिया गया, ना तो इनको लैंड मिली एंड इनके पास अब जॉब भी चली गई। एंड देन उसके बाद अब सिंस बहुत सारे लोगों को जो एकदम से साइमल्टेनियसली जब लैंड मिल चुकी है, तो जिनके पास पहले लैंड नहीं थी उनको लैंड मिल गई, अब वो अपनी अपनी लैंड्स पर जाकर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो जैसे पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों पर जो कि बहुत डिपेंडेंट थे माइग्रेंट लेबर पर, वहाँ पर मैनुअल लेबर की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, सोइंग हार्वेस्टिंग के वक्त। एंड देन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब जैसे क्या होता है कि जनरली आप लैंडलॉर्ड होते नहीं हो लेकिन आप कागजों में होते हो लेकिन आप कुछ करते नहीं हो उस पर, तो इस पर देखो इस पर से कि आप पर्टिकुलरली बहुत सारे जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपने ये वर्ड सुना होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, बेनामी, बेनामी प्रॉपर्टीज होती हैं असच कि मतलब एग्जैक्टली एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ये नहीं होता, लेकिन इसे बेनामी में क्या होता है कि मेरी ज़मीन होती है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने लेट से किसी जैसे लेट से जो मेरे घर में सर्वेंट हैं उनके नाम पर या फिर कोई और लेट से मेरा ड्राइवर एट्सेट्रा के नाम पर मैं बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा, एंड होगी ज़मीन जैसे मान लो मेरे घर में कोई लेट से कोई ड्राइवर है या फिर मेरा कोई ओवरऑल सर्वेंट है, बात तो मेरी मान रहे हैं वो, तो अकॉर्डिंगली ज़मीन चाहे उनके नाम पर है लेकिन मुझे पता है वो ज़मीन मेरे नाम पर ही है, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वगैरह भी ऐसे हुआ क्योंकि ज़मीन एविक्ट करनी थी आपको, मान लो 20 एकड़ की लिमिट लगी हुई है आप पर, तो अकॉर्डिंगली सरकार ने आपके पास थी 1,000 एकड़, तो अब आप क्या करोगे, घर में मेंबर भी 5 हैं सिर्फ, तो 5 × 20 करें 100 एकड़ रख सकते हैं, बाकी 900 एकड़ छोड़नी पड़ेगी अब, तो आपने बोला अपने अपने अच्छा मैं अपने सर्वेंट को दे रहा हूँ ज़मीन 20 एकड़, उसके 5 बच्चे हैं 100 एकड़ में उनके नाम पर दे रहा हूँ, आपको पता है वो आप ही की ज़मीन है चाहे सर्वेंट के नाम पर आपने डाल भी दी, तो अकॉर्डिंगली इस तरह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी आया एंड बेनामी वगैरह सब शुरुआत होती है। एंड देन उसके बाद ट्राइबल को तो बिल्कुल ही अछूता रह गया, ट्राइबल्स के बारे में कोई बात ही नहीं होती है इस पूरे, इतना देश LR LR कर रहा है, ट्राइबल्स नामक हमारे देश में 8% के आसपास आबादी, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। एंड देन उसके बाद पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म दोनों में जो एग्रेरियन मूवमेंट्स को यूज़ किया गया, अब देखो और आगे थोड़ा पॉइंट देखें, फैमिली न्यूक्लियराइज भी हो गई, फैमिलीज न्यूक्लियराइज, देखो ना ये ब्रॉडर, लेट्स से आपको ना ये वाले पॉइंट्स नहीं याद आ रहे कुछ ऑन द स्पॉट, तो आपने जनरली जो भी पढ़ा हुआ अभी तक, फैमिली मैरिज जेंडर रूरल क्लास ये पढ़ा हुआ, इन पे पॉइंट जनरेट करना शुरू करो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टोटली एनेबल्ड रहो, सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंडेंट रहोगे ना जो मैंने पढ़ा हुआ सिर्फ मैं वही आंसर करूंगा, नहीं रोबोट नहीं हो आप क्या करोगे, आप ऑन द स्पॉट भी सोच सकते हो। फैमिलीज न्यूक्लियराइज हुई, क्यों हुई होंगी न्यूक्लियराइज, अरे वही अभी बताया मैंने कि लेट्स से कि वो बोल दिया कि हर इंसान 20 एकड़ जमीन रख सकता है, ठीक है, या फिर पूरा परिवार मिलकर 100 एकड़ रख सकता है, ठीक है, लैंड पे सीलिंग लग गई, तो लेकिन परिवार में तो मेरे 10 लोग हैं, अगर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब अलग अलग परिवार करने पड़ेंगे, ठीक है, आपका परिवार अलग मेरा परिवार अलग, ठीक है, तो ताकि आपके 5 लोग हमारे 5 लोग आपके अलग परिवार में चले गए, अब हम इंडिविजुअली 100 100 एकड़ रख सकते हैं, तो इसी तरह से न्यूक्लियराइजेशन हुई लैंड रिफॉर्म्स को इवेड करने के लिए। देन अब हुआ क्या, कॉन्स्पिकुअस इनकम की मतलब जो दिखावे वाली खर्चे वाली इनकम, ठीक है, तो वो वाली इनकम राइज होती है कॉन्स्पिकुअस इनकम, क्योंकि अब आपके पास पहले ज़मीन थी नहीं, अब आपके पास ज़मीन आ गई, अभी आपके पास नए नए आप लैंड के ओनर बने हो तो आपकी ज़मीन आ गई है, तो इसीलिए आपके पास पैसा आया, तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्पिकुअस इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, जब भी किसी की इनकम बढ़ेगी हमारे देश में वो कॉन्स्पिकुअस बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब दिखावे में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बहुत अलग जो है इम्पैक्ट है, जैसे आपको मैं सिंपल से इम्पैक्ट समझाने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैरिजेज में डाउरी का राइज होना,
डाउरी इतनी, जैसे हमारे देश में डाउरी इतना मेजर मैनेस रिसेंट टाइम में बनता जा रहा है, पर्टिकुलरली क्योंकि पेट्रियार्की स्ट्रांग है। अगर लेकिन पहले क्या था, पहले पैसा धन दौलत हुआ ही नहीं करता था, कौन से डाउरी कौन सा क्या, अब धन दौलत आ गया लोगों के पास, तो अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ गई। एंड वैसे भी अब है ऐसा है कि ना कि एग्रीरियन सोसाइटी में पढ़ते हैं कि एग्रीरियन सोसाइटी में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सन्स के साथ ही इनहेरिट होती है, तो अकॉर्डिंगली डॉटर वैसे ही इज़ नॉट रियली डिजायर्ड एग्रीरियन सोसाइटी में, पेट्रियार्की जहाँ वैसे स्ट्रांग है। तो इसीलिए अब वो क्या करें, अगर डॉटर है तो उसके साथ में आप कितना धन दौलत दे के भेज रहे हो, तो इसीलिए डाउरी बहुत ज़्यादा राइज करती है पेट्रियार्कल एग्रीरियन सोसाइटीज़ में। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब शादियाँ बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियाँ शुरू हो गई, तो ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी ना, कॉन्स्पिकुअस इनकम के दहेज बड़े बड़े जा रहे हैं। तो एंड देन ये है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, तो कास्ट ये अगला पॉइंट है हमारे पास जो कास्ट से जुड़ा हुआ, कास्ट जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, कास्ट, कास्ट में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। क्योंकि अब देखो कॉन्फ्लिक्ट ना दो तरह से आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट पता क्यों आएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कि पहले तो आप हुआ करते थे अपने जो लैंड लॉर्ड के सर्वेंट, अब लेकिन लैंड रिफॉर्म आ गया, आपको थोड़ी बहुत ज़मीन मिल गई, लैंड रिफॉर्म वैसे वॉज अ फेलियर क्योंकि जितना अचीव करना चाहते थे उसका कुछ भी अचीव नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जहाँ जहाँ अचीव हुआ वहाँ की बात करते हैं। तो जहाँ पर लेट्स से पहले आप अपने लैंड लॉर्ड के साथ उनके नीचे काम करते थे, अब आपको सरकार ने ज़मीन दिलवा दी है, अब आप उनके साथ में काम करते हो, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होगा एंड उसके बाद आपका कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। लेट्स से अगर मेरी कास्ट लोअर कास्ट है और मेरे को लैंड मिल गई, मैं तो जाके अपर कास्ट के साथ में पड़ोस का मेरा खेत मेरा हो गया, तो वहाँ पर रोज़ झगड़े होंगे कि आपकी कास्ट अब कैसे कर सकते हो एट्सेट्रा, यू नो, यू कैन वेल इमेजिन। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, नक्सलिज्म राइज होता है क्योंकि LR इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जेंडर की बात करें, फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना, मैंने बताया अभी, डाउरी का राइज, उसके बाद रूरल अर्बन की बात करें, माइग्रेशन जो रुकी लेकिन अर्बन जगहों पे अनटच रहा, ठीक है, अर्बन जगहों पर अगर यहाँ पे देखें रूरल इलाकों में तो माइग्रेशन रुकी लेकिन अर्बन इलाके अनटच हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन को लेकर रिफॉर्म ही नहीं हुआ, कुछ लैंड रिफॉर्म की कोई वहाँ पे है ही नहीं ना, खेती थोड़ी ना होती अर्बन जगहों में। एंड देन उसके बाद क्लास में देखें अगर, तो जो पुअर जो टेनेंट्स हैं उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पुअर टेनेंट्स बेचारे उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि ना देखो ये एक प्रावधान था उसमें लैंड रिफॉर्म में कि अगर आपको ज़मीन चाहिए, अगर ना आपको देखो सरकार तो ज़मीन इकट्ठा कर रही है, बहुत सारी ज़मीन चाहिए, तो जिसकी ज़मीन है आपको उसको पे करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, आपको ज़मीन मिल जाएगी। पहले तो चलो पॉसिबिलिटी नहीं थी ना कि वो बेचना ही नहीं चाहते थे, अब सरकार ने वो बोल दिया कि रिफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ज़मीन इतनी से ऊपर रख ही नहीं सकते आप, तो इसीलिए अगर आपको ज़मीन चाहिए तो यू हैव टू पे योर जो पे द ओनर जो भी था ज़मींदार वगैरह जैसे भी था उसको पे करना था, तो पुअर टेनेंट्स तो पे ही नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो क्या हुआ कि ओवरऑल वो जो गरीब किसान तो वैसा का वैसा ही रह गया, ठीक है। देन उसके बाद लैंड लेबर, जो जो लैंडलेस लेबर वगैरह थे वो तो देवर एग्जिटेड, उनको तो वैसे ही बाहर निकाल दिया गया। ओके, देन स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है कि स्ट्रैटिफिकेशन कास्ट की बजाय अब क्लास के नाम पे शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अमीर किसान, उसके बाद जो लोअर वाले किसान एट्सेट्रा, बहुत मेजर स्ट्रैटिफिकेशन शुरू होती है रूरल लेवल में ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। जो लोअर कास्ट की एलियनेशन रुकी थोड़ी सी, है ना, लोअर क्लास थोड़ा दे आर लेस एलिनेटेड नाउ क्योंकि थोड़ा उनको ज़मीन वगैरह मिल गई है, जो वर्क चेंज हुआ उनका, एंड देन उसके बाद मोबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है रिलेटिवली, एंड देन उसके बाद ट्राइबल दे आर वो बिल्कुल ही दे आर नॉट इवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राइबल्स को टच नहीं करता ये। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर, तो अभी इमर्जिंग जो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर क्या क्या निकल के आता है कि इम्पैक्ट अनइवन रहा, कि सब जगह पे ऐसा नहीं है कि सब जगह पे हुआ, बहुत ही कम जगहों पर हमारे लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो अभी यहाँ पे जो साइज ऑफ द होल्डिंग्स, जो अब जैसे जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है वो उतना ज़्यादा क्लास स्ट्रक्चर में, ना ये क्लास की बात हो रही है, उतना उतना ऊपर आ जाएगा। इसीलिए जब बोलते हैं ना आजकल की जो साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स इट्स रिड्यूसिंग, तो ओवरऑल लोगों के पास पैसे एक्स्ट्रा बचते ही नहीं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं वो लेकिन कुछ निकलता नहीं है। एंड देन जो रिचर टेनेंट्स थे उनको कर दिया ऊपर आगे, क्योंकि क्योंकि हमने यही अभी देखा, जो पुअर टेनेंट्स थे वो पे नहीं कर सकते थे ज़मीन का, एंड ताकि खरीदने के लिए रिचर टेनेंट्स ने पे कर दिया, ज़मीन जो रख ली है ज़मीन आ गई उनके पास, नाउ एकदम से सडनली क्लास स्ट्रक्चर में वो ऊपर आएंगे। एंड देन लेकिन ओवरऑल देखें प्रोप्राइटरी क्लास, मतलब जिनके पास लैंड है, ठीक है, जिनके पास लैंड है प्रोप्राइटरी मतलब ओनर, ओनर क्लास तो इंक्रीज हुई, चाहे वो गरीब है लेकिन ओनर बन गए अब वो। ओके,
देन रिचर्ड टेनेंट्स को कैसे हेल्प करी, मैंने आपको बताया कि जमींदारों को कंपनसेशन कंपनसेशन पे करना है। सरकार ने बताया भाई कंपनसेशन दोगे तो ही ज़मीन मिल जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अब। एंड और लेकिन ये सबसे बेसिक और सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन भी है, रिच टेनेंट्स ने पे कर दिया, गरीबों को जो गरीब टेनेंट्स से मन तो उनका भी कर रहा है कि हमें भी ज़मीन मिल जाए, तो उन्होंने बोरो किया बेचारे, तो उनका बहुत सारे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं आज तक भी। एंड उसके बाद ओनरशिप जो नहीं कर सकते थे उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, एंड ओनरशिप भी चली गई एंड अब काम भी चला गया। तो इसीलिए टेन्योरियल सिक्योरिटी का कहते हैं लॉस होता है। टेन्योरियल सिक्योरिटी मतलब कि ओवरऑल अब लैंड खरीद नहीं पाए, एंड उसके बाद जो अब जो ज़मीन थोड़ी सी रहेगी ज़मींदार के पास तो वो अपनी उस पर खुद ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका टेन्योर भी चला गया। तो एंड इसीलिए अब वो, और अगर वो बने भी हैं तो अब वो और गरीब वाले उनको और कम काम जो ना और कम पैसे में काम करना पड़ रहा है, तो नॉन ओनिंग प्रोलेटेरियट बन गए बेचारे, वो पहले ही नॉन ओनिंग थे और गरीब हो गए, और इंक्रीज इनसिक्योरिटी ऑब्लिगेशन सबऑर्डिनेशन बहुत बढ़ गई, ज़मीन खरीद नहीं पाए एंड ओनर्स के पास अब काम थोड़ा रिलेटिवली कम है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली अब जो ये जो जो गरीब वाले किसान हैं इनके पास कुछ ज़्यादा जो ऑप्शंस बची नहीं है एक्सेप्ट टू वर्क एट अ वेरी लो वेज। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या ट्रेंड निकल के आता है, पीसी जोशी जी समराइज करते हैं। वो बोलते हैं कि फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी जो डिक्लाइन हुई है, कस्टमरी टेंडेंसी भी डिक्लाइन, कस्टमर टेंडेंसी मतलब कि ऐसे ही ना जैसे दोस्ती यारी में काम करे जा रहे हैं, दोस्ती यारी का मतलब कि अच्छा कि आपके यहाँ तो जो बहुत ही जनरेशन से आपकी जो फैमिली है हमारे सर्वेंट रही है, हमारे उसमें सेवा में लगी हुई है, आप भी रहिए, ठीक है। कस्टमरी टेंडेंसी होती है कि फैमिली दर फैमिली पूरी जनरेशन दर जनरेशन वो उसी में काम करते रहते हैं, जमींदार कोई और होता है, तो इसीलिए अब कहते हैं लेकिन ये तो चला गया, लेकिन और इनसिक्योर एंड एक्सप्लॉयटेटिव लीज अरेंजमेंट आया कि अभी क्योंकि जो लैंड होल्डिंग थोड़ी रिलेटिवली छोटी हो गई जमींदारों की, तो इसीलिए वो लीज वगैरह करते हैं एंड जमींदार इस तरह से लीज बना रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं जिनके जो लैंड होल्डर्स हैं कि उनका नुकसान ना हो, तो लीज काफी एक्सप्लॉयटेटिव नजर आती है। पीसी जोशी समराइजेस दिस, ठीक है। एंड देन कॉमर्शियल टेनेंसी आती है, उसके बाद ओनर फार्मर्स का राइज, ये तो हमने देखा। ओनर फार्मर्स मतलब कि जो अपनी ही ज़मीन है और उसी पर ही खुद ही खेती कर रहे हैं, एंड कौन से थोड़े से रिच प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं फार्मर्स हैं। ओके, तो इसीलिए लेकिन इसका ओवरऑल फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है कहीं ना कहीं, लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाते हैं, आपस में क्लासेस भिड़ रही हैं। ओके, देन आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर कि अब थोड़ा एक जो चीज़ जाननी ज़रूरी है वो है, साथ में जो चीज़ आई वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, GR, ठीक है। GR अगले चैप्टर्स में भी है लेकिन अभी देख लेते हैं, क्योंकि LR के साथ साथ GR देख लेना थोड़ी मेरे को लगता है कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो यहां पर देखो GR में हो क्या रहा है, पहले GR डिफाइन कर लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, जहां पर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि 25 साल 50 साल 100 साल में करेंगे, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि HY सीड्स है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड मशीनरी ये सभी कुछ यूज़ किया जा रहा है, एंड पर्टिकुलरली वीट एंड राइस पर ज़्यादा फोकस है। और टाइम कब है, ये 60s और 70s की शुरुआत में, और एरिया है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी फोकस्ड है, एरिया कौन सा, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। एंड हो क्या रहा है, बाकी आप ना उसमें और GR को अपने इको या एग्रीकल्चर में और इत्मीनान से अलग तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल, ठीक है। तो अब GR के आने से हो क्या रहा है, GR के आने से LR से फोकस चला गया, जो लैंड रिफॉर्म चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बेचारे, नक्सलिज्म भी आना शुरू हो गया है एटसेट्रा, कि किसी को जमीन मिली नहीं, आपने सरकार ने इतना शोर मचा दिया, और जो उसके बाद 9th शेड्यूल भी ले आए क्योंकि सरकार इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही, कोर्ट केस पे कोर्ट केस हो रहे हैं, और कि हमारी ज़मीन हमारी ज़मीन, हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल नंबर 31। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, कोर्ट केस पे कोर्ट केस, सरकार कहती है कि हम 1st शेड्यूल बना के उसमें डाल देंगे, फर्स्ट जो भी सॉरी 9th शेड्यूल में डाल देंगे, पहला अमेंडमेंट आती है जो 9th शेड्यूल में जो डाला होगा जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, लैंड रिफॉर्म बेचारा कोर्ट केस के चक्कर ही खाता रह गया। तो LR वैसे ही थोड़ी दिक्कतों से गुजर रहा था, तो GR आने के बाद तो बिल्कुल ही LR साइड लाइन हो गया, फोकस टोटली GR पे अब। एंड देन एक स्टडी है 3 विलेजेस ऑफ लुधियाना, इसमें सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं GR की, क्योंकि देखो लुधियाना इज इन पंजाब, तो पर्टिकुलरली ये यहाँ पर ही क्योंकि फोकस भी पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में है, तो स्टडीज भी यहीं पर ही होंगी। एंड तो इसलिए क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम में बदलाव हुए, ठीक है, अनटचेबिलिटी थोड़ा ग्रेजुअली कम हुई, मिडिल क्लास के थोड़ी सी ना आपको दिखती है कि क्लास इंप्रूवमेंट हुई है, अब मिडिल क्लास थोड़ी अमीर हुई है, अपर क्लास उसको एडजस्ट कर रही है फिर, ठीक है, अपर क्लास उसको एडजस्ट कर रही है, जो मिडिल क्लास अमीर हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते। जजमानी सिस्टम जो था इट डिक्लाइंड, ठीक है, और
अब जो वर्क फॉर पेमेंट था, मतलब वर्क फॉर पेमेंट मतलब कैश कैश वाली इनकम से पैसा आना, जो लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, फूड ग्रेन्स वाली जो कस्टमरी टेंडेंसी है वो ग्रेजुअली इज डिक्लाइनिंग रैपिडली। एंड देन उसके बाद जो 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 ट्रेडिशनल जैसे ना हेरिडेटरी प्रिविलेजेस थी कि अच्छा हम इस कास्ट के होते हैं तो हमें ये जो है ऑटोमेटिक जो समाज में प्रिविलेज मिल जाती हैं बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टन एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, सर्टन कास्ट है ना, सर्टन प्लेस कुछ भी हो सकता है वो, तो वो ग्रेजुअली वीकन हो रही है क्योंकि लोग अमीर होना शुरू हो रहे हैं। एंड दैट टू कौन से, उससे अपने एग्रीकल्चर से। पहले जो जैसे बहुत से जैसे ना हमारे देश की आज़ादी के बाद बहुत से लोग अमीर हुए लेकिन वो एग्रीकल्चर से अमीर नहीं हुए, वो लेट से कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई सरकार में जॉब ढूंढ रहा है, HMT में जॉब कर रहे हैं, पता नहीं आई डोंट नो कहाँ कहाँ पर तो है ना ये सब चल रहा है, सरकारी जॉब ढूंढने लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार GR आने के बाद ऐसा होता है कि किसान भी अमीर होने शुरू हो रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर, अमीरी वाले लेवल पर। ठीक है, ओके, तो वो क्या रहा है, पेजेंट जो था वो ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, फार्मर में। ठीक है, अब जो पेजेंट यहाँ पे क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी, जो गरीब वाला फार्मर है सरप्लस के लिए उगाता है जो। ओके, अब कंट्रोवर्सी क्या, और ये GR को लेके आपको पता है कि लिमिटेड रीच है, सिर्फ कुछ इलाकों में तो हुआ, बाकी पूरा का पूरा जो ईस्टर्न UP, बिहार, झारखंड ये सब ही अनटच्ड रह गए। यहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिक, सोशल तो चलो हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे आगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत एडवर्स, कि अगर आपने इतना पैसा लगाकर कुछ अगर उगाने की ट्राई करी नहीं उगा तो एक ही ऑप्शन बचा किसान के पास, सुसाइड। ठीक है जी, तो इन्वायरमेंटल इसमें यू नीड नो इंट्रोडक्शन, हेल्थ इफेक्ट्स की इतने कैंसर बेल्ट बन चुकी है कि बिकॉज दे से बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, एंड देन जो बठिंडा रीजन है, एंड देन लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से बिकॉज नीचे नीचे दे इज माइट बी यूरेनियम ट्रेसेस मिले हैं, सम से इट्स बिकॉज ऑफ फ्लोरिन। ओके, देर आर वेरियस हेल्थ इफेक्ट्स तो है ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सॉइल में क्योंकि बहुत सारा फर्टिलाइजर है। एंड देन इनको नाम क्या रखा गया, नाम देखो बहुत ही बढ़िया रखा है इनका, सीड्स ऑफ डिजास्टर, कि डिजास्टर बोया आपने, आपने फसल नहीं बोई यहाँ पर, आपने डिजास्टर को सो किया है। ओके, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल बट यू नीड टू राइट गुड आंसर्स। ओके, डिस्पैरिटी बढ़ी, अमीर किसान और अमीर हो गया क्योंकि बिग फार्मर्स को ही सरकार ने फोकस किया, क्योंकि सरकार चाह रही थी इनिशियल लेवल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी हमें अपनी जो वीट वगैरह सरकार को, और अमेरिका से हमने वीट मंगवाई थी। इंडिया की वैसे ही इंक्लिनेशन थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, रशिया की तरफ, अमेरिका की तरफ जाने का इतना मन नहीं था, तो इसीलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा पुश किया, किसको पुश किया, हमारी जो बड़े किसानों को, कि आप आओ बदलाव करो। देखो वैसे भी छोटा किसान है ना, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखाएगा कभी, उसको है कि थोड़ा सा भी काम खराब हुआ तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो बड़े किसानों को ही पर ही फोकस वैसे भी करना सरकार ने, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव भी होते हैं, एंड सेकेंडली वो ऐसे भी हैं कि अगर ना वो कुछ अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेट से कि बड़ा जो खेत है 10, 12, 50, 100 एकड़ का खेत है, तो वहां पर उस खेत में अगर ट्रैक्टर भी चल सकते हैं, उस खेत में HYV सीड डालें कुछ दिखेगा भी, कुछ फायदा भी होगा, छोटे से खेत में HYV वगैरह डाल भी दूं, कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ भी जाए, तो इतना देश को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बड़े बड़े किसानों को उनके लिए क्रेडिट अवेलेबल करवाना एटसेट्रा, इट्स ईजियर, उन तक इरीगेशन पहुंचवाना इट्स ईजियर है ना, एंड इट्स मोर मोर आई वुड से ना, अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इट्स इट्स सोसाइटी के लिए इट्स यूजफुल है ना, तो बिग फार्मर्स दे वर बेनिफिटेड, तो इससे डिस्पैरिटी तो बढ़ गई, अमीर और अमीर हो गए, मतलब इस बार तो काफ़ी अमीर हो गए। एंड देन उसके बाद जो स्मॉल फार्मर्स थे जिन्होंने पहले लैंड लीज पे दी हुई थी, बड़े किसानों ने उनकी लीज कैंसिल करी, लैंड रिक्लेम करी, अब वो जो जो लीज वाले किसान थे वो लैंडलेस लेबरर बन गए बेचारे। एंड देन ओनर कल्टीवेशन, अब ओनर कह रहा है मैं ही कल्टीवेट करूंगा, कुछ कुछ मज़ेदार चीज़ हो रही है यहाँ पर, एंड टेनेंट्स लार्ज स्केल पर एविक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए जो लीज एरिया 20 सालों में आधा ही रह गया। एंड देन उसके बाद HYV जो है हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स की है वो कॉस्टली है, एंड इसीलिए फार्मर्स क्या कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ स्किल्ड लेबर चाहिए, महंगे महंगे सीड हैं ये, आप ऐसे किसी भी उस बंदे को देख के नहीं काम करवा सकते, स्किल्ड बंदा चाहिए जो इसको काम करना आता हो, क्योंकि वेस्टेज नहीं करनी है ना, और हमें रिजल्ट चाहिए। एंड देन उसके बाद इसीलिए जो लेबर मूवमेंट आती है, इन वेजेस बढ़ाओ, अगर आपको हमसे ऐसा काम करवा रहे हो, केरला तमिलनाडु AP वगैरह में वेज मूवमेंट चलती है, लेबर मूवमेंट चलती है। एंड देन उसके बाद जो अमीर किसान, तो बहुत अमीर हो गए, कॉन्स्पिकुअस इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप जैसे अभी भी आप जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अगर आप देखो विलेजेस में, चाहे वो जो भी है वो किसान के पास, चाहे अगर छोटा वाला खेत भी है, वो ट्रैक्टर उनके घर में होते हैं। ट्रैक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि कहते हैं छोटे से खेत खेत में सर आपको यू डू नॉट रियली रिक्वायर ट्रैक्टर, कहते नहीं बस ट्रैक्टर एक स्टेटस सिंबल है। ट्रैक्टर भी किसका, फोर्ड का होगा, फोर्ड का ट्रैक्टर इज नॉट द बेस्ट ट्रैक्टर है ना, अगर आप शायद बात करो तो, बट लेकिन फोर्ड का ट्रैक्टर हैज़ सम ब्रांड वैल्यू, तो फोर्ड का ट्रैक्टर ही खरीदना है। ठीक है, और जैसे एक एक दो जैसे कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कंपनीज हैं।
एक जैसे अमेरिकन कंपनी है जैसे जॉन डियर, जॉन डियर के जैसे ट्रैक्टर्स आते हैं एसी वाले, कैबिन वाले, पीपल पीपल बाय दैट, दे डू नॉट रियली रिक्वायर दैट बट दे बाय दैट क्योंकि कॉन्स्पिकुअस इनकम है। एंड देन उसके बाद हो क्या रहा है, लेकिन जो शेयर क्रॉपर हैं वो अपने आप को रिलेटिवली डिप्राइव फील कर रहे हैं, तो रिलेटिव डिप्रीवेशन की स्टार्ट होती है एट अ लार्ज स्केल, एंड कंज्यूमरिज्म एकदम रूरल एरियाज में इट एंटर्स एवरीवेयर। तो कंज्यूमर जैसे ना जो पर्टिकुलरली दे बिकम जो अपने फार्मर्स हैं वो पर्टिकुलरली अब जैसे बड़े बड़े जैसे ना गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इवन कि यू विल जैसे आप इमेजिन करो कि जो जो आसपास पंजाब के अगर बात करें तो जो पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स खुल जाते हैं क्योंकि अब किसानों के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स में भेजते हैं शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस भी ली जाती है, एट्सेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, कंज्यूमरिज्म एक अलग लेवल पर आता है। अपार्ट फ्रॉम लेट्स से यू विल सी जो मेजर मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे आपको इफ यू माइट हैव यू नो आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस ब्रांड जो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, यूसीबी। इटली में इतना बड़ा स्टोर नहीं है उनका जितना बड़ा स्टोर उनका जो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ हैज़ द बिगेस्ट स्टोर ऑफ यूसीबी एंड एंड ऑल लाइक अब आई कैन टेल यू अबाउट इट कि जैसे मोर और लेस कि एवरी एवरी कॉस्टली ब्रांड इज़ अवेलेबल इन चंडीगढ़ क्योंकि कॉन्स्पिकुअस इनकम इज़ वेरी हाई ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, तो ये दिखता है, इट इट रिफ्लेक्ट्स। ओके, देन विदर्भा, विदर्भा कहाँ से आ गया, विदर्भा की बात कैसे होगी, विदर्भा इज डाउन इन इन जैसे लेट्स से वेस्टर्न इंडिया एंड ना वहाँ पर, और रेन शैडो एरिया का पार्ट है, रेन शैडो एरिया है, लेकिन उनको लग रहा है कि पंजाब एंड एट्सेट्रा फार्मर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी हो रही है, HYV सीड लगाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा करते हैं, तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाले तरीकों को हम भी कॉपी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इवन विल गेट रिच। लेकिन वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन वाली चीज़ों को कॉपी कर लिया लेकिन GR वाला इंफ्रा अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पानी बहुत चाहिए यहाँ पर, अगर पानी नहीं मिलेगा फसल तो वैसे भी खराब हो ही जाएगी, पानी नहीं होगा एडिक्वेट, तो इसीलिए अब वो GR वेज कॉपी कर रहे हैं विदाउट रियली हैविंग GR इंफ्रा। तो जैसे ही अगर देखो पानी जमीन से निकाल रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो चलता जा रहा है वहां पे, यू माइट हैव हर्ड कि विदर्भा में सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकाला जाता है एंड जो वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, बड़े बड़े पंप्स लगाने पड़ते हैं, तो इसीलिए वहां पे जब बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई जब जितनी चाहिए तो दैट्स इट डिजास्टर। तो क्या हुआ, मास लेवल सुसाइड विदर्भा के, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं विदर्भा हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ सुसाइड्स, तो लेकिन अब क्या लेटली क्यों हुआ है, क्योंकि GR वेज कॉपी करी, इन द अब्सेंस ऑफ GR इंफ्रा सुसाइड हो जाते हैं। तो ये वाली बातें कुछ ध्यान थोड़ा दिमाग में रखनी है। तो अब जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे बदल रहा है इसके बारे में बात करें, पहले जजमानी था, फिर जमींदारी महल रेवत आया, अब क्या हुआ, अगर देखो उसके बाद ना जैसे हम क्या कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद LPG एरा, LPG मतलब 1991 में जो हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करी, उसके पहले, तो उसके पहले जैसे आपने पढ़ा सभी कि LR हो रहा है ना, और जैसे लॉज बन रहे नए नए, उसके बाद लॉ जो जो लॉ बना दिए, LR हो गया सब कुछ, उसके बाद नहीं हुआ कुछ तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमने ऊपर देखा। अब उसके बाद LPG के बाद पोस्ट LPG फेज हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे हम। तो जैसे जैसे जन ब्रेमन लिखते हैं APW में, वो क्या बोलते हैं कि फुट लूज लेबर का राइज है, फुट लूज लेबर, फुट लूज लेबर मतलब ये ऐसी लेबर है जो बहुत ऐसे गरीब अवस्था में रहती है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे चलते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। ठीक है, फुट लूज मतलब चलते रहते हैं, मान लो कभी वेस्टर्न यूपी में चाहिए लेबर की रिक्वायरमेंट, अच्छा वहाँ पहुँच गए, देन पंजाब पहुँच गए, देन हरियाणा पहुँच गए, देन ईस्टर्न राजस्थान पहुँच गए, ये घूमते रहते हैं, देन मध्य प्रदेश चले गए, तो फुट लूज लेबर, क्योंकि एग्रीकल्चर के तो बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज है, सीजनल माइग्रेंट्स एग्रीकल्चर के चले रहते हैं, नाम याद रखिएगा जन ब्रेमन क्या बोलते हैं, फुटलूज लेबर, फुटलूज इंडस्ट्री भी होती है ज्योग्राफी में, देखें आस्क यू बस यहाँ फुटलूज लेबर लेकिन याद रखना। ओके, बहुत ही कहते हैं पुअर कंडीशन में जनरली ये रहते हैं, बच्चों वगैरह पे कोई एजुकेशन स्किल्स वगैरह पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि चलते ही रहते हैं हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह। देन पोस्ट LPG, बहुत से हमारे जो नौजवान चले गए बाहर काम करने क्योंकि LPG के बाद थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई शहरों में और तेज़ी से, तो एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन वाला फेज़ आता है जहाँ पे बहुत सारे जो लेबर है अब हमारे जो गांव में जो काम करती है खेतों में वो फीमेल है। ठीक है, और वीमेन जो लेबर चीप भी है अकॉर्डिंगली, और फायदे की बात है ये तो जो जो ओनर्स हैं उनके लिए। एंड देन WTO का राइज, अब भारत कहता है हम तो पार्टिसिपेट करेंगे WTO में, तो डॉक्टर के सोमा शेखरा, ठीक है, तो याद रखिए इनका नाम डॉक्टर के सोमा शेखरा। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि
इंडियन मार्केट अगर ओपन हो जाएंगे इम्पोर्ट्स वगैरह के लिए, इम्पोर्टेड फ्रूट्स वगैरह आने आने यहाँ पे शुरू हो ही गए हैं हमारे देश में। कितने सारे इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाते हैं अब हम, ठीक है, जैसे ग्रैनी स्मिथ एप्पल, पहले तो हमारे यहाँ देश में उगता भी नहीं था, अभी ग्रैनी स्मिथ कितना फैल चुका है, इवन कि अब वो हिमाचल में भी उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। एंड तो इम्पोर्टेड फ्रूट्स कितने कॉमन हो गए हैं, एक बार वंस यू एंजॉय ग्रैनी स्मिथ देन यू डू नॉट रियली एंजॉय एनी द एप्पल। तो ये लिखते हैं देन कि अब इंडियन फार्मर्स को कहते हैं इतना एडिक्वेटली सपोर्टेड भी नहीं है जितना यूरोपियन या अमेरिकन वाले जो हैं फार्मर्स, और जिस तरह का इंफ्रा ये वो सब अवेलेबल है। तो अब कहते हैं क्या इंडियन किसान तैयार है सबके लिए, WTO में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, UPSC ने ये GS3 में सवाल पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान किसी को उस वक्त सोचे भी नहीं जा रहे थे वहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान भी होंगे, सोशो वाले बच्चों ने सोचे हुए थे क्योंकि हमने टॉपिक कवर किया हुआ था, तो इसलिए सोशो विल हेल्प यू, ठीक है, फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर कॉन्फिडेंट फील करोगे तो चीज़ें रिट्रीव कर पाओगे दिमाग से। ओके, वो कह रहे हैं देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कंपनियां कि सर जैसे मान लो कि पोटैटो कंपनी है जैसे रफल्स लेज, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होशियारपुर में, बहुत सारी जगहों पर, लुधियाना में बहुत सारे फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपके आलू हम खरीदेंगे, ठीक है, आप इस क्वालिटी का इस पर्टिकुलर तरह का आलू उगाओगे, साइंटिफिक एग्रीकल्चर ये वो सब करवा रहे हैं उनसे, फार्मर्स की इनकम एश्योर हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ हो जाता है। तो एंड उनको सीड देते हैं, फर्टिलाइजर कौन सा डालना है सब देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपकी आउटपुट होगी इतनी पर्टिकुलर दाम पर हम आपसे खरीद लेंगे, कंपनीज अश्योर करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं फार्मर्स के साथ, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, फॉर फार्मर्स अश्योर रिटर्न है। लेकिन इनसिक्योरिटी बढ़ती है क्योंकि डिपेंडेंसी कितनी इंक्रीज होगी कंपनी पर कि मान लो कल कंपनी ही बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, कंपनी कहती है मैंने खरीद सकती, अभी जैसा हुआ आफ्टर डी मोनेटाइजेशन जो आपके पास 10-20 रुपए के नोट खत्म हो गए आफ्टर ना इमीडिएट इंपैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जो ये इट वाज इन न्यूज़ सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू शेयर इट। तो आपके पास 10 रुपए के 20 रुपए के नोट खत्म हो गए तो अब क्या करें रफल्स, जैसे अगर आपके पास जो भी नोट पड़े हुए हैं जेब में, क्योंकि 2 महीने तो नोट ही नहीं थे ना, सभी कुछ चल रहा है कार्ड्स पर चल रहा है, कार्ड्स भी इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं जगह जगह पर, छोटे करियाने की दुकान में बिल्कुल नहीं करते, तो इसलिए जो रफल्स वगैरह बिकने बिल्कुल बंद हो गए, 2-3 महीने बिल्कुल भी रफल्स नहीं बिके, क्योंकि 10-20 रुपए आपके जेब में है ही नहीं खर्चने के लिए। अगर तो इसीलिए क्या हुआ, जो पोटैटो फार्मर्स थे बहुत सारे उनके पोटैटोज नहीं पिक किए गए, आयरन पोटैटोज नहीं पिक किए गए, उससे क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइंड थे सब कुछ था बट लेकिन दे हैड टू थ्रो देयर पोटैटोज अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट था, डीमोनेटाइजेशन का आउटकम देखिए कहाँ पर जाके लगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया साइन कि हाँ हम आपसे खरीद लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी कर दिया, कोर्ट केस करना है कर लो आपकी मर्जी है। ओके, तो इसीलिए डिपेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है, वो जो पर्टिकुलर तरह का जो पोटैटो उगा रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर तरह का प्रोडक्ट वो उगा जो बना रहा है फार्मर, वो पर्टिकुलर उसकी मार्केट में ऐसा डिमांड नहीं है, क्योंकि जो आलू जो बनता है जो इसी के लिए, मैं आपको एग्जैक्ट एक केस स्टडी बता रहा हूँ इसलिए कि जो एग्जैक्ट पोटैटो ग्रो करते हैं फॉर दीज चिप्स एंड ऑल, ये नॉर्मल हमारी सब्जियों में नहीं डलते, तो जो मार्केट में अगर ये ले भी आएंगे तो इट विल नॉट सेल। तो इसीलिए बहुत डिपेंडेंसी है कंपनीज पर, अगर मना कर दें तो फार्मर बहुत ही दुविधा में आ सकता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कि इंडिजेनस, अपनी जो हम सदियों से नॉलेज लेके चल रहे थे जो हमारे यहाँ की, वो नॉलेज का अब जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर ही नहीं होगी, वो तो वो चली जाएगी, लुप्त हो जाएगी, इट विल गेट एक्सटिंक्ट। एंड उसके बाद जैसे अब प्रोडक्ट्स हैं जैसे कट फ्लावर है ना, जैसे कट फ्लावर मतलब जो फ्लावर्स की खेती करवाते हैं कंपनीज जो फार्मर्स से, एंड देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से क्या करते हैं ये हमारे किसानों को डाइवर्ट करता है अकॉर्डिंगली। अभी आर वी श्योर कि हम फूड ग्रेन से डाइवर्ट कर सकते हैं, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है इससे, लेकिन फूड ग्रेन से डाइवर्जन भी होती है, नेगेटिव पॉइंट तो है। ओके, पॉजिटिव भी हैं इसके तो नेगेटिव भी है। ओके, देन उसके बाद जो प्रोडक्शन जो हो रही है मान लो कट फ्लावर वगैरह की, ये एलीट के लिए हो रही है, कॉस्टली प्रोडक्ट्स के लिए हो रही है, एंड इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो इसलिए इज इट दैट गुड फॉर एनवायरमेंट है ना, इट्स एन ओपन क्वेश्चन। तो GM वगैरह ये सब डाल सकते हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी यहाँ पे 3-4-5 अगर नुकसान पता लग जाए तो इट्स अ गुड थिंग, यू कैन स्टार्ट आंसरिंग अ क्वेश्चन, बिल्कुल यू विल नॉट ड्रॉ अ ब्लैंक। तो इसीलिए इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना। देन उसके बाद एग्रीकल्चर मल्टीनेशनलाइज हो गया कि जैसे जो सीड्स बेचने से लेके मार्केट करने तक सब कुछ, अब रिसेंटली महाराष्ट्र में देयर इज अ ह्यूज प्रोटेस्ट कि कह रहे हैं सरकार ने टोटली विड्रॉ कर लिया खुद को, सीड की जो पहले दुकानें हुआ करती बंद हो गई हैं, अब जाके आपको मोनसेंटो के सीड्स ही खरीदने पड़ते हैं, मोनसेंटो की दुकानें खुली हुई हैं हर जगह आपको, अकॉर्डिंग जो माहिको बोलते हैं ना, माहिको अगर आप महाराष्ट्र से अगर सुन रहे हो तो बताना, माहिको कंपनी है जो हर जगह जगह उसने सीड्स की जो दुकानें खोली हुई हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की दुकानें बंद हो गई हैं अब, कि सभी कुछ ही कहते हैं मल्टीनेशनलाइज कर दिया उन, और अकॉर्डिंगली दे आर वेरी प्रॉफिट ड्रिवन एजेंसीज। तो
एंड टर्मिनेटिंग सीट्स का आना। टर्मिनेटिंग सीट्स क्या होते हैं, जो कुछ टाइम बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। अगर कुछ टाइम बाद मतलब कि एक आपने एक सीट डाला, उसके बाद जो फ्रूट होगा फ्रूट के सीट से दोबारा से आप उसको सो नहीं कर सकते, टर्मिनेट हो जाता है सीट, आपको दोबारा खरीदना पड़ता है। कंपनीज पर डिपेंडेंसी इज़ वेरी हाई। ट्रेडिशनल जो हमारा खेती करने का तरीका है उस पर बिल्कुल ही अगेंस्ट है सब कुछ। देन एक और हमारा पोस्ट एलपीजी बहुत मेजर फेज चल रहा है फार्मर सुसाइड्स का, कि फार्मर कहते हैं डिस्ट्रेस में तो सदियों से हैं लेकिन सुसाइड थोड़ा नया, सुसाइड नहीं करते पहले, ठीक है, ओके। एंड देन सोशोलॉजिस्ट बहुत सारे रीजन बताते हैं, रीजन बोलते हैं कि कौन से हम देखेंगे भी आगे। जैसे एंड वो कह रहा है, जैसे बहुत से मार्जिनल फार्मर है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की ट्राई कर रहे हैं, जीआर यूज़ करके बोरो वगैरह करते हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं डेट है तो सुसाइड करना पड़ता है। एंड डाउरी एंड बेटर हेल्थ एजुकेशन मेडिकल केयर सबकी डिमांड आ रही है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, इतनी आउटपुट नहीं हो रही, फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, है ना, कॉन्स्पिकुअसनेस इंक्रीज हुई ना। एंड देन उसके बाद कि जो बहुत सारे जो जो फार्मर्स हैं वो मोबिलाइज नहीं कर पाते अपने डिमांड में मनवा पाते पॉलिसीज़ के लिए, एंड अल्टीमेटली अटेंशन के लिए भी बहुत बार जैसे होता है कि कॉज के लिए भी फार्मर्स ये कमिट सुसाइड, डरखाइम भी हमें बताते हैं ये वाली बात। ओके, देन बिफोर वी लाइक डू दिस मैं आपको चाहता हूँ कि ये वाला देख लो, हाई रेट ऑफ फार्मर सुसाइड इन रिसेंट टाइम पर क्या, और पी साईनाथ एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, है ना, उसमें लिखते हैं वो कि क्या लिखते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस है क्योंकि HYV सीड्स केमिकल्स वगैरह इकोलॉजी को ख़राब कर रहे हैं। देन इकोनॉमिक क्राइसिस है, इनडेटेडनेस आती है ना, कि बार बार आपको उधार लेना पड़ता है कि अपने जो इतने महंगे सीड्स हैं उसके लिए बार बार उधार लेना पड़ता है, तो हो क्या रहा है, दोनों दे लीड टू वॉट, सोशल क्राइसिस, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक जो ये क्राइसिस हैं दे लीड टू सोशल क्राइसिस विच इज़ वॉट, सुसाइड। ओके, वंदना शिवा उत्साह पटनायक अखबारों में लिखते रहते हैं आए दिन, एंड देन दे राइट कि रिसेंट पास्ट में कहते हैं एग्रीकल्चर की ग्रोथ नेगेटिव के जैसे ही है, कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट इज़ वेरी स्टेग्नेंट, डू नॉट रियली राइट नेगेटिव बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू से, बट सिंस दे दीज पीपल दे से इट, तो देन मे बी देन वो कहते हैं एक तो ग्रोथ एग्रीकल्चर की बहुत स्टेग्नेंट है, एंड देन लिबरलाइजेशन भी हो गई, एंड नियो कॉलोनियलिज्म, मतलब कि हर एक चीज़ ही सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी से ही खरीदनी है, जैसे हमने पढ़ा भी, तो इसका क्या अल्टीमेट आउटकम क्या आता है कि स्टेट का सपोर्ट नहीं है तो फार्मर फील्स जो बिल्कुल ही एकदम एक्सपोज्ड टू ऑल दीज रियलिटीज, जिससे बहुत सारे अर्बन लोग नहीं जूझ पा रहे तो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। देन जो देश पांडे नागेश की स्टडी है डेट ट्रैप, रिपीटेडली कहते हैं आपको उधार लेना पड़ता है तो इसीलिए आप इसके ट्रैप में फंसे हुए हो, और व्हेन पर्सन ब्रेक्स डाउन तो क्या है, सुसाइड। देन एक हमने पढ़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार जो काम करना चाहिए नहीं कर रही, रेगुलेशन ढंग से नहीं कर रही, पेस्टिसाइड्स प्यूरियस निकलते हैं, इतना किसान ने पैसे लगा के पेस्टिसाइड खरीदा वो खराब निकला, फसल फिर खा गया कीड़ा, ठीक है। पंजाब में वाइट फ्लाई अटैक, यू कैन ऑलवेज राइट वाइट फ्लाई अटैक में स्प्यूरियस पेस्टिसाइड दिए गए। एंड देन उसके बाद फ्लड्स, भाई ऐसा नहीं कह सकते ना कि यूरोप में अमेरिका में बारिश नहीं होती, बहुत बारिश होती है, तो क्या हुआ फ्लड क्यों नहीं आते, सरकारों ने काम किया फ्लड्स रुके हैं। इंडिया में फ्लड्स इतना रेगुलर फिनोमेना, वी स्टिल नॉट बीन एबल टू कंट्रोल फ्लड्स, तो ये सरकारों का फेलियर कह सकते हैं हम। एंड देन ट्रेडर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं ओपन में बैठ के, ये कैसे हो रहा है, सरकार कहाँ पर है। एंड देन मिडिल मैन की चेन इतनी लंबी है कि फार्मर के प्रॉफिट बढ़ते ही कभी, जैसे आपने सुना होगा जो अपनी एक प्याज जो अनियंस की प्याज की एक मंडी है, एंड इट्स नियर नागपुर, वैसे नासिक के पास है, तो सॉरी यहाँ नासिक के पास है, तो वहाँ पर बहुत सारे प्याज इकट्ठे होते हैं, एंड फार्मर को जैसे जब प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा था तो फार्मर को 2 रुपये मिल रहे थे, फिर प्याज 8 रुपये किलो हो गया फार्मर को 1 रुपया मिल रहा था, तो ये क्या बात बनी कि चाहे 100 रुपये किलो चाहे 10 रुपये किलो हो तो फार्मर को तो 1 से 2 के बीच में ही सिर्फ रुपये पर केजी मिलते हैं, इतनी लंबी चेन ऑफ मिडलमैन है वो आपस में ही सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। तो इस पर सरकार क्या कर रही है, APMCs को मॉडिफाई क्यों नहीं किया जा रहा, एंड रेगुलेशन ठीक क्यों नहीं है, तो अल्टीमेटली हु सफर्स, द फार्मर। ओके, देन अरविंद कुमार की पंजाब फार्मर सोसाइटी की स्टडी है, वो बोलते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, वो क्या बोलते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग है ये। कॉरपोरेट फार्मिंग में वो क्या बोलते हैं कि कॉरपोरेट के जैसे फार्मिंग की जा रही है, सारे प्रॉफिट्स ये वो, जैसे ही लॉस होता है फार्मर पर सारा बर्डन डाल दिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली क्या फार्मर को सुसाइड पर बहुत इजीली मजबूर कर दिया जाता है, कि कहते कि ऐसे कि फाइनेंस उठाकर काम हो रहा है, लोन्स उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स ये वो सब कुछ, कहते ऐसे फार्मर ऐसे बिहेव करें जैसे कॉरपोरेट काम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वैसे जब उसका आउटकम ऐसा नहीं आता तो अकॉर्डिंगली फार्मर सुसाइड हो जाते हैं, लॉसेज भी उतने ही ह्यूज होते हैं। एंड जैसे अभी रिसेंट एक केस आया हमारे पंजाब में, दैट इज ऑफ आड़ती सुसाइड। आड़ती कौन होते हैं, आड़ती वो जैसे आपका
जो जो मिडिल मैन ही कह सकते हैं वैसे आप, जो आपका आपको लेकिन मुसीबत के समय में आपको उधार भी देते हैं। तो जो NAM नाम की बात हो रही है, ई नाम का एक क्रिटिसिज्म भी है ये कि ई नाम में आप मिडिल मैन को रिमूव करने की बात करो, लेकिन मिडिल मैन बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो ये भी पढ़ने जरूरी है कि जैसे वो मुसीबत के समय में उधार है, क्योंकि सदियों से वो साथ रह रहे हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंसी है फार्मर्स की, आढ़तियों पे, आढ़तियों की फार्मर्स पर। तो अकॉर्डिंगली तो कि आप एकदम से सडनली सरकार बोलती है हम आढ़ती हटा देंगे, तो हाउ गुड और हाउ बैड इज़ दैट, कि क्या उसमें कोई कितना कुछ विचार किया गया कि नहीं, क्योंकि अब आढ़तियों ने, बहुत सारी आढ़तियों ने उधार दे दिया मुसीबत के समय, एंड अब उसके बाद फार्मिंग इतना रिटर्न नहीं दे रही, फार्मर्स ने मना कर दिया हम वापस नहीं दे सकते। अ लॉट ऑफ आढ़तियाज पंजाब में फर्स्ट टाइम हुआ मिडिल मैन कमिटेड सुसाइड, तो क्योंकि पंजाबी फार्मर्स की बिकॉज ऑफ इल फाइनेंशियल हेल्थ। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद तो ये सडनली देर वॉज अ सर्ज इन दैट, लेकिन अभी लेटली कोई केस नहीं है। तो इस पर आर्टिकल्स भी अखबार में आए थे कि पंजाब में ऐसा कैसे हो रहा है, मिडिलमैन सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास, एंड देन एक और चीज देख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन पर का इंडियन फार्मर्स पर क्या इंपैक्ट है। वही के सोमेश एकरा जी लिखते हैं कि WTO पीरियड के बाद कि ग्लोबल एग्रीकल्चर को फेस, कंपेटिटिवनेस को क्या इंडियन फार्मर्स फेस कर पाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक हो जाएगा, जैसे सिर्फ यूरोपियन कुछ कम, जैसे हर एक ओलिगो मतलब कि कुछ कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वही जो रूल करेंगी, EU, USA एंड लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है ना पर्टिकुलरली, जहाँ पर एग्रीकल्चर या डेयरी वाला काम इस तरह से होता है जो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज है, स्टेट बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करती है, एंड लेटली चाइना भी यहाँ पर पाँव पसार रहा है। इंडियन कहते क्या करेंगे फार्मर्स, अभी इट्स स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। देन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार पहले बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करती थी, सरकार ग्रेजुअली विड्रॉ कर रही है WTO के प्रेशर के अंडर, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्शन की, रिटर्न्स घटेंगे, तो अगेन इज इट गुड फॉर फार्मिंग। देन जो कहते हैं जो डेवलपमेंट हो रही है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है कि अगर कोई मान लो अगर अगर वुमन अगर कोई है वो करती है फार्मिंग, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता इतने आसानी से, उसकी वेजेस लोअर हैं, तो डेवलपमेंट कहते हैं कहीं ना कहीं इट इज़ स्क्यूड टुवर्ड्स मेल्स। एंड देन उसके बाद कहते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज सरकार की घटती जाएंगी, जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारा ऑलरेडी हम जो जो AOA है हमारा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके हिसाब से ऑलरेडी ही बेचारे हम इंडिया वाले सिर्फ जवाबदेही करते रहते हैं WTO में जाकर, और इतनी सारी नेगोशिएशन भी हम पीछे रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आगे आगे वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ भी घटेंगी। तो बाकी और वेरियस जैसे हमारे पास स्टडीज हैं अगर देखें, ओवरऑल एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एंड विलेज से जुड़ी हुई, वेस्टर्नाइजेशन के इंपैक्ट में कहते श्रीनिवास बोलते हैं कि मिडिल क्लास का राइज हो रहा है ना, योगेंद्र सिंह बोलते हैं होमोजेनाइज हो रहा है कल्चर आइडेंटिटी। देन माइग्रेशन के बारे में किन लोगों ने लिखा उनका नाम आप बोल सकते हैं, अर्बनाइजेशन के बारे में दुबे एंड राव ने लिखा बहुत ज़्यादा, पीछे हम सब देख चुके हैं वैसे विलेज स्टडीज़ में, सिर्फ यहाँ पर एक समरीज है। जैसे GRLR पर PC जोशी ने कुछ बताया आपके लिए, समराइज़ कर दिया यहाँ पर जैसे, एंड देन उसके बाद भल्ला एंड चड्ढा की स्टडी ग्रीन रेवोल्यूशन पे आपको मैंने समराइज कर दिया यहाँ पर। एंड देन माइग्रेशन के बारे में IP देसाई बोलते हैं कुछ कि ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली जा रही हैं, फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली आ रही हैं, रहते तो अलग अलग हैं लेकिन काम इकट्ठा सा करते हैं, ठीक है फंक्शनली ज्वाइंट हैं वो। एंड देन ऑनरे बेटे बोलते हैं कास्ट वीक हो रही है एंड माइग्रेशन के चलते। एंड देन उसके बाद कि क्या हो रहा है कि फंक्शनल जो सॉरी क्लास टाइज इंपॉर्टेंट हो रही है, कास्ट वीक हो रही है, क्लास जो आपकी सिमिलर क्लास का होता है उसको आप इंपॉर्टेंस देते हो। हैरल्ड गोल्ड जी, ठीक है हैरल्ड गोल्ड क्या बोलते हैं कि कास्ट वीकन हो रही है, इनकी एक बहुत फेमस स्टडी है रिक्शावालाज ऑफ लखनऊ, तो रिक्शावालाज ऑफ लखनऊ में ये बोलते हैं कि अब रिक्शावालाज में सभी तरह की कास्ट दिखती हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह के कास्ट का बंदा ही है। एंड देन करुणा अहमद कुछ कहे कि लो स्टेटस लो इनकम जॉब में औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, कि स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है लेकिन क्लस्टरिंग भी हो रही है। आशीष नंदी वगैरह ने कास्ट मोबिलिटी में हेल्प करता है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन या माइग्रेशन है ना हेल्प करता है। MSA राव कहते हैं जो सिटीज़ से रेमिटेंसीज पहुंचती हैं गांव में, जो लोग अपने जैसे बच्चे काम करने गए हों शहरों में माँ बाप को वापस जब वो रेमिटेंसीज भेजते हैं तो गाँव में उनकी इज्जत बढ़ जाती है तो प्रेस्टीज इंक्रीज होती है। ई ए रॉस बोलते हैं कि इवन रूरल पीपल भी माइग्रेशन के चलते जब वापस घर जाते हैं वैल्यू साथ लेके जाते हैं तो कंज्यूमरिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी थोड़ी बातें हैं जो पढ़ते रहो याद करते रहो, दैट्स इट। इतना वैसे मज़ेदार लगता है मुझे तो बहुत ही सब जानना, अपने देश के बारे में जान रहे हैं ना, एंड देश के बारे में जानो एट द सेम टाइम थोड़ा सा इसको रट्टा भी लगाओ, दैट्स इट। एंड बाकी मैंने आपके जो बहुत से लोग हैं जिनको जैसे जो पेपर्स हैं एग्जाम है अब चेक्ड योर पेपर्स, मैंने आपको वीडियोस वीडियो में चेक करके वापस भेजा है तो आप उसको वीडियोस के थ्रू ही देख सकते हैं, लिंक है आपका वो यू कैन वॉच दैट लिंक। ठीक है दोस्तों, तो पेपर लिखते रहो एंड आपको मैं एक और पेपर जो सेकेंड हाफ ऑफ द पेपर 1 है वो मैं अभी आज कल में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको अभी अटैम्प्ट कीजिए
एंड अगेन आई सेंड यू अ वीडियो सॉल्यूशन, उसका वीडियो में चेक करके, ठीक है, वीडियो में चेक करके फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको उस एग्जैक्ट मैं आपसे बात कर पाता हूँ कि ये आप आगे लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, ये आपने पॉइंट ऐसा क्यों लिखा, एट्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, चलो मेहनत करते रहो, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर.